जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करते हैं जी सब बेहतर होंगे। हाज़िर है नया वीडियो, नया टॉपिक, एक नई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन कुछ इस तरह से है, बहुत से दोस्त, वो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी कि जो 7 लड़कों के पासपोर्ट मिले थे, उसके बाद काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस या कमेंट्स मुझे आ रहे हैं और आए भी हैं कि भाई उसके बाद नेक्स्ट क्या अपडेट है, किसी को पासपोर्ट मिला या नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि कितने पासपोर्ट मिले हैं और कितनी एजेंसीज़ को मिले हैं और वीज़ा रेशो क्या रही है। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जी तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है, एक अपडेट है जो कि दोस्तों के साथ शेयर करनी है। ये एक भाई का मुझे मैसेज आया आज दिन को, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाता क्या सुनाता हूँ आपको। ये मैसेज गौर से सुनिए। BMR के मतलब एजेंसी को पासपोर्ट मिले हैं, उसके अलावा और भी एजेंसीज़ को पासपोर्ट मिले हैं और काफ़ी अच्छी रेशो रही है वीज़े की। ये एक मैसेज आप काइंडली सुने। अस्सलाम वालेकुम आसम भाई, की हाल ने? ठीक हो? से ठीक है। अच्छा आसम भाई, तुम्हें अपडेट दें, अपना कल BMR के 8 पासपोर्ट मिले ने, 5 तरीक के मिले ने 8 पासपोर्ट। 8 मुंडे गए सन, उन्होंने 7 मुंडिया के वीज़े लगे ने, एक मुंडा रिजेक्ट हो, अच्छी रेशो है जी। 5 तारीख को उनका, जिस दिन एम्बेसी ओपन हुई थी उसी दिन 5 अक्टूबर को उनके इंटरव्यू थे, तो उनमें से 8 लड़कों को पासपोर्ट मिले हैं। इसके अलावा भी और भी एजेंसीज़, एक दो एजेंसी का मुझसे रब्ता हुआ है, उनसे भी वहां पर भी लड़के जो अटैच हैं उनके साथ भी मेरा रब्ता हुआ है। वहाँ पर भी एक एजेंसी को 20 पासपोर्ट मिले हैं कल 1 नवंबर को। एक एजेंसी को, ये BMR वालों को 8 पासपोर्ट मिले हैं, एक और एजेंसी है उनको भी कुछ पासपोर्ट मिले हैं। उनके भी मतलब लगभग एक दो लड़के का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, लेकिन ये तो प्रूफ हो गया है BMR वालों का 8 पासपोर्ट्स में से जस्ट एक वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट क्यों हुआ है ये रीज़न तो मुझे पता नहीं चल सकी, काफ़ी कोशिश की पता करने की लेकिन ये पता नहीं चल सका। सो इस मतलब अपडेट की बेस पे ये पता चलता है कि रोमानिया एम्बेसी का जो बिहेवियर है वो किसी हद तक ठीक रहा है। ये 9 अक्टूबर के जो पासपोर्ट, फर्स्ट जो पासपोर्ट उन्होंने रिटर्न किए उसमें तो 50-50 रहा, लेकिन ये जो पासपोर्ट नए आए हैं इन पासपोर्ट्स में वीज़े की रेशो अच्छी खासी रही है। तो यही आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आया होगा। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि जो दोस्त इस वीडियो तक YouTube पर नहीं पहुंच सकते वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं जहां पर आप इसको शेयर करते हैं। तो काइंडली हमारे Facebook पेज को भी जाकर लाइक ज़रूर कीजिए और वहां पर भी वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह, नया टॉपिक लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। काफ़ी अच्छी खबर थी, काफ़ी अच्छी रेशो है इस वक्त। सो रोमानिया की एम्बेसी 50-50 चल रही है, कभी एक टाइम जो रिटर्न करती है पासपोर्ट वो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन रेट होता है, और दूसरे टाइम जो रिटर्न होते हैं वहाँ पर वीज़ों के रेशो अच्छी होती है स्टैंपिंग। तो यही वीडियो था जी, उम्मीद करते हैं दोस्तों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह, नया टॉपिक, एक नई ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।